कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सोमवार को खैरागढ़ छुई खदान प्रवास पर रही। यहां राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हजारों की सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित किया, साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। खैरागढ़ में कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने आज अनेकों चुनावी घोषणा के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा जनहित से जुड़े किए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। प्रियंका गांधी ने उपस्थित लोगों से कहा कि गलती से भी गलत चीज को मत चुनिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। देश में आज जितनी बेरोजगारी है पिछले 45 सालों से उतनी नहीं देखने को मिली। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेशों से लोग आकर व्यापार कर रहे हैं। देखिए, खैरागढ़ नागवंशी राजाओं की धरती है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी की कर्मभूमि है। आपको शायद मालूम होगा कि पद्मावती जी और इंदिरा जी का बहुत करीबी रिश्ता था। पद्मावती जी इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की, उसी समय इंदिरा जी से मिली थी जब वो छोटे छोटे थे, और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा। बाद में जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं समाज की, और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो पंडित जी और रविशंकर शुक्ल जी ने उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आओ और राजनीति के जरिए जनता की खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी। तो ये एक पुराना रिश्ता है खैरागढ़ का हमारे परिवार के साथ। इसी के तहत इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और ये जो नाम इससे जुड़ा है, इंदिरा का नाम, ये पद्मावती जी ने अपनी बेटी को इंदिरा जी का नाम दिया, और फिर विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो इंदिरा जी आए उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन को करने के लिए। तो एक लंबा रिश्ता है, एक पुराना रिश्ता है। बघेल जी ने कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाने का काम किया। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ जिला बने, आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे, और जैसे ही नतीजा आया, उसके 3 दिन के भीतर खैरागढ़ का नया जिला बन गया। अब जिससे पहले कि मैं लंबा भाषण शुरू करूं, मैं बघेल जी का भाषण खत्म करती हूं। उन्होंने कहा कि घोषणा, उन्होंने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी है घोषणाओं की, तो सबसे पहले मैं घोषणा ही कर देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42,00,000 उपभोक्ताओं जिनकी मानसिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा, और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1,000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6,000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी।